नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो दोस्तों हम लोग 3 तक देख लिए थे। यदि दोस्तों वीडियो में परेशानी हो रही हो तो प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2kx + 27 = 0 रियल एंड इक्वल। तो कह रहा है दोस्तों के किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है 3x² + 2kx + 27 = 0 उसका रूट्स दोस्तों क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है दोस्तों, d = 0 हम लोगों को दिया गया है। ओके, तो यहाँ पहले गिवन इक्वेशन लिखिए, गिवन इक्वेशन क्या है बताइए, 3x² + 2kx + 27 = 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हियर, पहले डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर निकालेंगे। तो ए इक्वल टू कितना है बताइए, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 3, बी कितना है एक्स का ऑप्शन यानी कि 2k, सी कितना है 27। ओके, अब यहाँ आप लिखिए वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे डी इक्वल टू हो जाएगा बी क्या है दोस्तों, 2k² - 4 * a 3 * c 27। आगे देखिए, अब आगे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 2k का स्क्वायर कीजिएगा तो 4k² - ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 * 27 थ्री जाएगा कितना 81, ये हो जाएगा 4k² - 4 * 4 = 32, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डी इक्वल टू क्या 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ से डी का वैल्यू आया कितना है, डी के वैल्यू लोगों को आया 4k² - 34 = 0। आगे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को 4k² = -324 को आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे 324 हो जाएगा। तो यहाँ से k² = हो जाएगा 324/4, कैंसिल कीजिए 4 8 जा 4 1 जा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से k² का वैल्यू आ गया 81। ओके, के स्क्वायर का वैल्यू 81 आया था, यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 81, साथ में यहाँ पे प्लस माइनस दोनों रहेगा तो के इक्वल टू क्या हो गया +-9। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर के इक्वल टू पहला आया 9 और के इक्वल टू -9। तो ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4th का इसका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 4 के जैसा ही, यहाँ पे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx (x-2√5+10) = 0 रियल एंड इक्वल। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन में क्या दिया गया kx और यहाँ पे x-2√5+10 = 0 दिया गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पहले ले आएंगे, मल्टीप्लाई कीजिए के एक्स से, ये हो जाए kx² - 2√5 kx हो जाएगा +10 = 0। ओके, आगे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हियर ए क्या है दोस्तों, देखिए x² का ऑप्शन यानी कि के, बी कितना है एक्स का ऑप्शन यानी कि -2√5 k और सी कितना है 1 है। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट d = b² - 4ac। आगे देखिए d = b है -2√5 और k इसका होल स्क्वायर -4 * a यानी कि k और हो जाएगा c यानी कि 1। तो ये दोस्तों d = हो जाएगा 2 का -2 का स्क्वायर हो जाएगा
माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, इंटू रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, इंटू के स्क्वायर माइनस यहाँ पे फोर के। ओके आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को दोस्तों डी इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी के स्क्वायर माइनस फोर के। ओके अब इसे आगे देखिए, लिखेंगे सिंस, यहाँ पर लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डी इक्वल टू जीरो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है, डी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या, डी का वैल्यू आया कितना, ट्वेंटी के स्क्वायर माइनस फोर के इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे, फोर के यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो फोर के यहाँ पर क्या आ जाए दोस्तों, फाइव के माइनस कितना आ गया, फाइव के माइनस यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सी का वैल्यू दोस्तों वन नहीं है, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे टेन है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये टेन है यहाँ पे टेन हो जाएगा, ये दोस्तों फोर टेन जाए कितना हो गया, फोर्टी के हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो सही कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा फोर्टी के, यहाँ पर देखिए फोर्टी के हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ से फिर से बना देते हैं, देखिए यहाँ पर आया क्या, देखिए डी बाई मिस्टेक से दोस्तों गलती हो गया, यहाँ पर देखिए हो जाएगा ट्वेंटी के स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना फोर्टी के हो जाएगा। ठीक है ट्वेंटी के स्क्वायर माइनस फोर्टी के, अब यहाँ पर लिखे सिंस सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना है बताइए, ट्वेंटी के स्क्वायर माइनस फोर्टी के इक्वल टू जीरो। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या रिजल्ट आता है, अब देखिए इससे आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ट्वेंटी के कॉमन आ रहा है तो ट्वेंटी के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा बताइए, के माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए पहले क्या होगा, इस पार्ट को हम जीरो के इक्वल करेंगे, तो ट्वेंटी के इक्वल टू जीरो, यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो अपॉन में ट्वेंटी, k इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया पहला आंसर। एंड इफ़ k माइनस टू इक्वल टू जीरो देन k इक्वल टू माइनस टू को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों इसका फिफ्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर सिक्स नंबर क्वेश्चन नंबर ये दिया गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो रियल एंड इक्वल। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर लिखेंगे पहले गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इसमें दिया गया है फोर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे हियर ए का वैल्यू कितना दिया गया बताइए, फोर, बी कितना दिया गया एक्स का ऑप्शन यानी कि पी, सी कितना दिया गया थ्री, लिखेंगे डी इक्वल टू, लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देखिए डी इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि बी कितना है पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए फोर इंटू सी, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस फोर फोर या सिक्सटी इंटू थ्री फोर्टी एट हो जाएगा। ओके अब लिखें दोस्तों यहाँ पे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो होगा तब रूट्स कैसा होगा रियल एंड इक्वल होगा। आगे देखिए यहाँ से हम लोगों को डी का वैल्यू आया क्या था, पी स्क्वायर माइनस फोर्टी एट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर्टी एट को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस फोर्टी एट, देखिए पी का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो आगे पे क्या आ जाएगा रूट अंडर आ जाएगा साथ में प्लस माइनस रहेगा,
पी इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 3 48 को। अब यहाँ से रूट से इसको बाहर करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, 1 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों को पी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4√3। तो यहाँ से एक्स का दो वैल्यू आया, एक आया प्लस में 4√3 और एक आया -4√3। तो देर 4 लिखेंगे, सॉरी पी का पी इक्वल टू 4√3, एक आंसर ये हो गया और पी इक्वल टू -4√3 ये सेकेंड आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन लगा रहा है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 3kx + k = 0 आर रियल एंड इक्वल। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे गिवन इक्वेशन, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ओके गिवन इक्वेशन, सिर्फ यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन आप लोगों को मिलेगा, ये हो जाएगा 9x² - 3kx + k = 0। ओके अब यहाँ आप लिखेंगे हियर ए इक्वल टू कितना बताया 9, बी कितना है -3k, सी कितना है के। ओके लिखेंगे वी नो दैट डी इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, भेद रखिए यहाँ पे डी इक्वल टू बी यानी कि -3k² - 4 × a 9 × c k। यह है कितना दोस्तों, देखिए -3k² करेंगे तो हो जाएगा 9k² - 36k। ओके आगे देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयर फॉर डी इक्वल टू 0। जब रूट्स दोस्तों रियल एंड इक्वल होगा तो क्या होगा, डी का वैल्यू क्या आएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। आगे देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा डी का वैल्यू कितना है 9k² - 36k = 0। यहाँ 9k कॉमन ले लीजिए, 9k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k - 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 9k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे k बचेगा -9 4 = 36 4 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे इफ़ 9k = 0 तो k इक्वल टू कितना हो गया 0/9। तो देखिए तो k इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए दोस्तों ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया गया है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, मतलब k का नॉन जीरो वैल्यू निकालने के लिए, मतलब 0 नहीं आना चाहिए। तो ये दोस्तों आंसर नहीं होगा, k इक्वल टू 0 दोस्तों ये नहीं होगा। ओके क्योंकि वहाँ पर नॉन जीरो ही दिया गया, यदि नॉन जीरो नहीं दिया रहता तब तो आंसर ये भी होता, ठीक है ध्यान रखिएगा। लेकिन इफ़ अब सेकेंड वाला देखिए k - 4 = 0 देन k = 4। देखिए दोस्तों आंसर हो गया इसका k = 4। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ 8 का फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया गया दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k + 1 × x² + 2 times k + 1 × x + 1 = 0 हैज रियल एंड इक्वल। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन डिफरेंट है, इसको थोड़ा पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गिवन देखिए इक्वेशन, गिवन इक्वेशन देखिए ये हम लोग को 3k + 1 × x² + 2 times k + 1 × x + 1 = 0 ये हम लोग को इक्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हियर ए का वैल्यू कितना है x² कोएफिशिएंट यानी कि 3k + 1, बी कितना है 2 times k + 1 और सी कितना है 1। ओके डी निकालिए, लिखेंगे वी नो दैट
डी इक्वल टू क्या होता है बताइए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि टू टाइम्स के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू ए यानी कि थ्री के प्लस वन और इंटू सी यानी कि वन। सॉल्व कीजिए इसको, तो डी इक्वल देखिए टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, यहाँ पे के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स थ्री के प्लस वन। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए फोर इसमें भी है, फोर इसमें भी, हम लोग फोर पहले क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। आप लोग इसको भी सॉल्व ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, के प्लस वन का होल स्क्वायर करके यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको माइनस फोर से मल्टीप्लाई वैसे भी हो सकता है ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सिंपल पड़ेगा, यहाँ से फोर कॉमन ले लीजिए ठीक है। तो यहाँ बचा क्या है, बचा के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस वन। इसको सॉल्व कीजिए पहले, देखिए यहाँ से हो जाएगा डी इक्वल टू फोर टाइम्स ए प्लस बी का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करें तो टू इंटू के इंटू वन तो टू के हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए माइनस थ्री के माइनस वन इक्वल टू सॉरी यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए डी इक्वल टू हो जाएगा फोर टाइम्स के स्क्वायर, देखिए प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा टू के माइनस थ्री के कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस के इक्वल टू जीरो। आगे देखिए सॉरी यहाँ जीरो नहीं होगा, डी का वैल्यू को इतना आ गया ठीक है। अब चाहेंगे तो यहाँ पे इसमें के कॉमन भी ले सकते हैं, तो लिख लीजिए फोर, यहाँ से के कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, के माइनस वन। अब लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डी इक्वल टू जीरो, रूट्स रियल एंड इक्वल दिया गया तो डी इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो डी का वैल्यू आया कितना फोर के और यहाँ पे के माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे इफ फोर के इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से दोस्तों के का वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो अपॉन फोर, देयरफॉर के इक्वल टू होगा जीरो, एक आंसर ये आ गया। एंड इफ के माइनस वन इक्वल टू जीरो देन के इक्वल टू वन, तो दोस्तों इसका सेकंड आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों एट का फर्स्ट पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट, देखिए एट का देखिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग ये दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स टू एक्स प्लस के माइनस वन प्लस टू इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आप लिखेंगे पहले गिवन इक्वेशन लिखिए, गिवन इक्वेशन क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स टू एक्स प्लस के माइनस वन प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये दिया गया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों इसमें लोग क्या करेंगे, पहले के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स का टर्म कंबाइंड में दिया गया है, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस के और ये प्लस टू ओके इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स एक्स वाला टर्म यहाँ पे आ गया और ये दोस्तों क्या है, ये पूरा क्या है के स्क्वायर माइनस के प्लस टू इक्वल टू जीरो। देखिए यानी कुछ है एक्स एक्स का ऑप्शन यानी कुछ तो वन आ गया, तो ए हो गया, ये बी दोस्तों टू के हो गया और सी दोस्तों क्या हो गया ये पूरा हो गया ठीक है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं। लिखेंगे हियर ए इक्वल टू कितना वन, बी कितना है टू के एंड सी इक्वल टू है के स्क्वायर माइनस के माइनस टू। अब यहाँ से हम लोग क्या है दोस्तों डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखिए यहाँ पे तो बी स्क्वायर बी कितना दोस्तों टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए
ये क्या है दोस्तों, वन इंटू सी, सी क्या है के स्क्वायर माइनस के माइनस टू। आगे देखिए ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर, माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा माइनस फोर के स्क्वायर, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करके दिया हो जाएगा प्लस फोर के, और ये हो जाएगा माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस फोर टू जै एट। ओके आगे देखिए, देखिए यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, देखिए के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस टू है दोस्तों, के स्क्वायर माइनस के प्लस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई करें दिया हो जाएगा माइनस फोर को प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा। इसको तो सही कर लीजिएगा, यहाँ प्लस टू था दोस्तों के स्क्वायर माइनस के प्लस टू, वैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर के स्क्वायर प्लस फोर के, और ये हो जाएगा माइनस एट। यहाँ पर दोस्तों देखिए फोर के स्क्वायर से फोर के स्क्वायर यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना फोर के माइनस एट है, देखिए यहाँ पर देखेंगे फोर के माइनस एट है, डी का वैल्यू कितना आ गया फोर के माइनस एट। देखिए दोस्तों नेट में क्या रिजल्ट आता है, अब देखिए यहाँ पर डी का वैल्यू आया फोर के माइनस एट, तो लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयर फोर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आगे देखिए डी का वैल्यू आया कितना फोर के माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से फोर के इक्वल टू एट, यहाँ दोस्तों के का वैल्यू कितना आ गया एट अपॉन है फोर टू, तो के का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया टू आ गया। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों इसका ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नाइन। देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू पी प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन पी प्लस टू इंटू एक्स प्लस सेवन पी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। लिखिए गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन लिखिए, गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है टू पी प्लस वन इंटू मैक्स स्क्वायर माइनस सेवन पी प्लस टू इंटू मैक्स प्लस सेवन पी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आगे देखिए यहाँ से यहाँ लिखेंगे हियर ए इक्वल टू हम लोगों को टू पी प्लस वन, बी कितना है माइनस ऑफ सेवन पी प्लस टू, एंड सी कितना है सेवन पी माइनस थ्री। ओके अब यहाँ से लिखिए वी नो दैट D इक्वल टू क्या होता है बताइए बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इक्वल टू बी कितना है माइनस ऑफ सेवन पी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए टू पी प्लस वन इंटू सी के जगह पर सेवन पी माइनस थ्री। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली हो गया सेवन पी प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए इसको ए स्क्वायर कीजिएगा तो सेवन पी का स्क्वायर फोर्टी नाइन पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि फोर प्लस टू ए भी करेंगे तो टू इंटू टू फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट पी हो जाएगा माइनस फोर, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो टू पी को सेवन पी से मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा फोर्टीन पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस सेवन पी माइनस थ्री। आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो हो जाएगा फोर्टी नाइन पी स्क्वायर प्लस फोर प्लस ट्वेंटी एट पी माइनस फोर इंटू फोर्टीन पी स्क्वायर सेवन पी में से सिक्स पी गया तो हो जाएगा प्लस पी माइनस थ्री। आगे देखिए ये हो जाएगा फोर्टी नाइन पी स्क्वायर प्लस फोर प्लस ट्वेंटी एट पी माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा फोर्टीन फोर जो फिफ्टी सिक्स पी स्क्वायर माइनस फोर पी और माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व। आगे देखिए देखिए यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए
49 माइनस 56 करेंगे तो देखिए आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, 16 में से 9 गया तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। तो माइनस 7 पी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा देखिए 28 माइनस 24, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों को 24 पी हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा प्लस 16 इक्वल टू 0। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पी स्क्वायर और 7 पी स्क्वायर माइनस 24 पी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 16 इतना आ जाएगा। अब लिखेंगे सिंस ये डी का वैल्यू आ गया इतना, देखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 0 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, माइनस 7 पी स्क्वायर माइनस 24 पी माइनस 16 इक्वल टू कितना 0। आगे देखिए यहाँ से तो नेगेटिव साइन को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा फाइनली हम लोग को 7 पी स्क्वायर माइनस 24 पी माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए यहाँ पे तो 16 इंटू 7 कितना हो गया 112 हो जाएगा, तो 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, फोर्टीन हो गया सेवन सेवन से। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए 7 पी स्क्वायर, देखिए 7 2 14, 14 2 28, 28 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 में से 28 को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 7 पी स्क्वायर प्लस 4 पी माइनस 28 पी माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 पी में से 28 पी माइनस होगा तो कितना हो जाएगा बताइए माइनस 24 पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, यही चीज़ तुम लोग चाहिए था माइनस 112। अब यहाँ से क्या कीजिए दोस्तों, कॉमन लीजिए 7 पी यहाँ से, सॉरी यहाँ पी कॉमन लीजिए, पी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 पी प्लस 1 माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 पी प्लस 4 इक्वल टू 0, सॉरी 4 नहीं होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, चलो 4 कॉमन ले रहे हैं ना, एक मिनट सॉरी यहाँ पर दोस्तों देखिए सॉरी यहाँ से दोस्तों p कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 7 पी प्लस 4 माइनस यहाँ से 4 हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 पी माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 7 पी प्लस 4 फैक्टर हम लोग को आ गया और यहाँ पे p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों p का दो वैल्यू आएगा, देखिए नेक्स्ट पेज में क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को दो वैल्यू ये आ गया, देखिए इफ 7 पी प्लस 4 इक्वल टू 0 तो यहाँ 7 पी इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4, तो पी का वैल्यू आ गया माइनस 4 अपॉन में कितना 7, एक आंसर दोस्तों ये आ गया। आगे देखिए एंड इफ पी माइनस 4 इक्वल टू 0 देयरफॉर पी इक्वल टू 4, तो दोस्तों इसका सेकेंड आंसर आ गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।